टी20 इंटरनेशनल में स्टार खिलाड़ियों से सजी वर्ल्ड की नंबर वन टीम, 5 बार आईपीएल खिताब पर कब्जा कर चुके कप्तान और बेस्ट कोचिंग स्टाफ, लेकिन इस टीम की परफॉर्मेंस बद से बदतर ही हो रही है। पाकिस्तान से करारी शिकस्त मिलने के बाद भी टीम इंडिया ने कोई सबक नहीं लिया। उल्टा श्रीलंका, जो कि आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में 8वें पायदान पर काबिज है और एशिया कप 2022 में कमजोर टीम मानी जा रही थी, उससे फिर पुरानी गलतियों की वजह से टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। न तो कोच और कप्तान एक परफेक्ट प्लेइंग 11 ढूंढ पाए, न ही जिन खिलाड़ियों को जिम्मेदारी सौंपी गई वो उन्हें पूरी कर पाए। लगातार 2 हार के बाद एशिया कप से लगभग बाहर हो चुकी है भारतीय टीम को भारतीय फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ साथ विदेशी खिलाड़ियों की आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। भारत के चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारतीय टीम को संदेश भेजा है। शोएब चाहते हैं कि टीम इंडिया एशिया कप के फाइनल्स में पहुंचे। शोएब ने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय टीम एक बड़ी जीत हासिल कर फाइनल में पहुंचे, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को दोनों मैच हारने होंगे, जो कि मुश्किल है। शोएब ने भारतीय टीम में हो रहे बदलावों पर चुटकी लेते हुए कहा कि उम्मीद है भारत अब अपना कप्तान बदलने की गलती नहीं करेगा। पिछले 3 मैचों में टीम इंडिया में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। लगता है उनके कैंप में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं। भारतीय टीम की लगातार हार को शोएब अख्तर एक गुड साइन की तरह देख रहे हैं। उनका मानना है कि भारतीय टीम के लिए ये वेक अप कॉल है और इससे टीम इंडिया वर्ल्ड कप से पहले अपनी परफेक्ट फाइनल 11 को ढूंढ पाएगी। शोएब ने भारत को अपने फाइनल 5 गेंदबाज भी डिसाइड करने को कहा और हार्दिक और अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी की तारीफ भी की। शोएब अख्तर को ऐसा कहने का मौका इसलिए मिला क्योंकि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा किस गेंदबाज से कब बॉलिंग कराना चाहते हैं, इस मामले में वो मैदान पर परेशान नजर आए। इतना ही नहीं, रोहित मैदान पर फ्रस्ट्रेटेड भी दिखे, जो अमूमन देखने को नहीं मिलता। तो अब बस यही उम्मीद है कि रोहित और उनकी टीम इन गलतियों से सबक लेगी और टीम में सुधार लाकर बेहतर परफॉर्म करते हुए दुनिया को ये बताएगी कि उन्हें वर्ल्ड बेस्ट क्यों कहा जाता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही YouTube पर स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।